डीन एम्ब्रोस हुए इंजर्ड, रोमन रेंस का क्लैश ऑफ चैंपियंस का ओपोनेंट हुआ रिवील, और सेथ रॉलिंस कब हारेंगे अपनी बेल्ट को जानेंगे आज किस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत की जाए सेथ रॉलिंस की न्यूज के साथ। तो सेथ रॉलिंस कई लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया है, और क्लीन हराया है। ये चीज तो कुछ लोगों के गले ही नहीं उतर रही है, और वो लोग चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस जल्द अपना टाइटल हार जाए। तो उन्हीं लोगों के लिए दोस्तों ये खबर आई है। दरअसल ब्लीचर रिपोर्ट ने दोस्तों स्पेकुलेशन किया इस बात के ऊपर कि कब सेथ रॉलिंस अपना टाइटल ड्रॉप करेंगे, यानी कि कब वो हारेंगे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों यहाँ डेट बताई जा रही है 7 अक्टूबर, यानी कि हेल इन अ सेल की, यानी कि इस पूरे मंथ या फिर कह लीजिए अगले मंथ दोस्तों आपको सेथ ही चैंपियन बनते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि क्लैश ऑफ चैंपियंस के अंदर वो चाहे ब्रॉन को फेस करे या फिर किसी और को, वही चैंपियन रहने वाले हैं। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बाद बताया ये जा रहा है कि जो ड्र्यू मैकइंटायर है वो फेस करेंगे उन्हें हेल इन अ सेल के अंदर, जहां दोस्तों वो अपनी इस अपॉर्चुनिटी को पूरे तरीके से भुनाएंगे और बनेंगे न्यू WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो यहां सेथ रॉलिंस का जो स्लेयर बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है ड्र्यू मैकइंटायर को। देखते हैं दोस्तों कि वहां क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर सेथ रॉलिंस आगे भी कंटिन्यू करते हैं एज ए यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो आज वो जुड़ी हुई है लुनेटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस उर्फ जॉन मॉक्सली से। आज डीन एम्ब्रोस हो चुके हैं इंजर्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे कि आप जानते हैं कि WWE के बाहर वो बहुत सी प्रमोशनल कंपनीज में फाइट करते हैं, और ऐसे में दोस्तों उनके एल्बो में आ गई है इंजरी। इसे दोस्तों अभी के लिए एक इन्फेक्शन भी बताया जा रहा है। कई लोग मान रहे हैं कि ये इन्फेक्शन है क्योंकि डीन कुछ एक मैचेस का पार्ट हो रहे हैं, कुछ ही के अंदर वो अपने एल्बो को बचा रहे हैं, और इसके पीछे इन्फेक्शन माना जा रहा है। उनकी इंजरी प्रोबेबली एक इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन डीन दोस्तों जो है वो ऑल आउट PPV का पार्ट है, जो कि AEW का होने वाला है, और उसमें 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है, प्रोबेबली 8 दिन रह गए मेरे अनुसार। और गाइस, वहाँ अगर वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं तो AEW वालों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। होप करते हैं कि हमारे फेवरेट डीन एम्ब्रोस को कुछ ना हो और वो उस PPV के अंदर अपीयर होते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं शील्ड के फाइनल मेंबर यानी कि बिग डॉग रोमन रेंस से। तो आज रोमन रेंस पर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर यानी कि डेव मेल्जर ने एक बड़ी रिपोर्ट पेश किया। उनके अनुसार रोमन रेंस के जो क्लैश ऑफ चैंपियंस के ओपोनेंट रहने वाले हैं वो रहेंगे डेनियल ब्रायन। यहां दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि डेनियल ब्रायन अभी जो चीजें कह रहे हैं वो सारी फेक है, कि उन्होंने अटैक नहीं किया, दरअसल डेनियल ही वो अटैकर है, वो चीजें सिर्फ इधर उधर घुमा रहे हैं। जैसे दोस्तों क्लैश ऑफ चैंपियंस की डेट सामने आती है, यानी कि जैसे दोस्तों PPV सामने आता है यानी कि समीप आता है, तो इन दोनों के बीच में झड़प आपको देखने को जरूर मिलेगी। रोमन रेंस समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और वहां से दोस्तों फाइट बनेगी और WWE खुद इसे प्लान कर रहा है। खासकर दोस्तों एरिक बिशॉफ चाहते हैं इस मैच को बनता हुआ, क्योंकि दोस्तों एरिक बिशॉफ जो है वो चाहते हैं कि डेनियल ब्रायन फिर से लाइमलाइट में आए, और इसलिए दोस्तों उन्हें इस स्टोरी लाइन के अंदर डाला गया है। वहीं बात की जाए रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा या फिर हो भी रहा है, क्योंकि रोमन रेंस के ऊपर काफी चर्चा भी चालू है। ऐसी चर्चा यानी कि एक फेक खबर आपने सुनी होगी कि रोमन रेंस ने कहा है कि ही विल वुप डेनियल ब्रायन्स एस, और रोमन रेंस हमेशा ऐसा कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोमन रेंस हमेशा ऐसा नहीं कहते हैं, रोमन रेंस के शब्द हमेशा अलग अलग ही रहते हैं, एक डायलॉग हर व्यक्ति हर बार नहीं मारता। और फिर से दोस्तों एक फेक खबर फैलाई गई है, नाम आप जानते हैं दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ना ही दोस्तों हमें मेंशन करने की जरूरत है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रोमन रेंस है वो 2 दिन से एक्टिव नहीं है ट्विटर के ऊपर, ना ही कुछ उन्होंने पोस्ट किया, ना ही दोस्तों वो किसी इंटरव्यू का पार्ट हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई चीज कही, यानी कि बहरूपीय के ऊपर कुछ तंज कसे हो या फिर डेनियल पर कुछ तंज कसे हो। तो अपने से दोस्तों सपने बहुत से लोग दिखाते हैं और नाम हम उनका आपको नहीं बताते हैं, बट आप जानते हैं वो कौन है। पर दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। शील्ड फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।